गुड इवनिंग ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि भाई अभी पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की जो इफेक्ट चल रही है उसके चलते हुए भाई हमारे स्टूडेंट्स की जो स्टडी है उसके ऊपर इफेक्ट ना हो उसके लिए मैं एक वीडियो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर की कुछ वीडियोज हैं जो मैं एक एक वन बाय वन रिप्रेजेंट करूँगा। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है डेमो टू एंड यूज सो दैट। सो वी आर गोइंग फॉर हाउ वी आर यूजिंग डेमो टू एंड यूज सो दैट। एज यू नो दैट इन डेमो टू वी यूज सो दैट इन प्लेस ऑफ टू। In so that a second sentence always become which can or could. As we know that if a sentence is in a present, then we have to use can, or in a past we have to use could. In it for second sentence we have to put a proper pronoun as you wish. You can put a pronoun as you wish. Okay, just like as here we have some few examples. Just like as first one, the tea is too hot to drink. This sentence suggests a negative meaning. The tea is too hot to drink means चाय इतनी गर्म है कोई भी उसको पी सकता नहीं है। सो व्हाट इज द मीनिंग। सो जैसे कि हम लोग अगर इस तरह टू टू को अगर रिमूव करते हैं तो उसके जगह हम लोग अगर सो दैट लगाते हैं तो किस तरह हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। द टी इज सो हॉट दैट, यहाँ पे आपको जो प्रोनाउन रखना है आप रख सकते हो। जैसे कि जस्ट लाइक नो बडी, नो वन, ही, शी, इट, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। और यहाँ पे सेंटेंस इसके अंदर दिया आपको इज, यानी किसमें दिया हुआ है प्रेजेंट में। सो आपको यहाँ पे क्या यूज करना होगा कैन। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है द टी इज सो हॉट दैट नोबडी कैन ड्रिंक इट, यानी ये प्रेजेंट में सेंटेंस है। मैंने यहां पे किसका यूज करा हुआ है कैन का यूज करा हुआ है। इसी तरह आप जब सेकंड सेंटेंस देखेंगे द बैग वाज टू हैवी टू ब्रॉड, इट मींस यहां पे भी क्या आया हुआ है टू और टू का यूज करा हुआ है। और ये सेंटेंस हमें क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये सेंटेंस अगेन क्या है नेगेटिव सेंटेंस है। और यहां पे दिया हुआ क्या है आपको वाज, जैसे हम सेकंड सेंटेंस में यहां पे किसका यूज करेंगे कुड का यूज करेंगे। जैसे कि सेंटेंस आएगा द बैग वाज सो हैवी That, मुझे, मैंने जैसे आपको बोला कि कोई भी प्रोनाउन आप लोग लगा सकते हो। आपको किसी भी बॉय का नाम लिखना हो, किसी भी गर्ल का नाम लिखना हो, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। जैसे मैं बनाया सेंटेंस द बैग वॉज सो हैवी दैट मोहित कुड, क्यों कुड लगाया मैंने यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है वॉज, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है कुड, सो दैट मोहित कुड नॉट ब्रॉट इट, गॉट इट, ओके। इसी तरह थर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे भावेश इज नॉट टू इल टू अटेंड द पार्टी। अगर हम लोग इसका देखें तो भावेश इतना बीमार नहीं था कि पार्टी अटेंड न कर सके। तो उसका मैंने देखिए यहाँ पे सेंटेंस कैसा बनाया हुआ है, भावेश इज नॉट सो इल दैट ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी, क्लियर हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैंने इसका यूज करा हुआ तो यहाँ पे मैंने किसका यूज करा हुआ है कैन, और ये नेगेटिव सेंटेंस है उसका वापस मैंने क्या बनाया है नेगेटिव सेंटेंस ही बनाया हुआ है, क्लियर है सभी को। यानी कभी भी अगर आप रिमूव टू का अगर यूज करते हो तो आपको अंदर इसके अंदर किस तरह आप सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। एक फोर्थ सेंटेंस भी देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ यहाँ पे मैथ इज सो इजी टू सॉल्व, मैथ इज सो इजी टू सॉल्व, यानी ये सेंटेंस पॉजिटिव सजेस्ट कर रहा है कि नेगेटिव, ये सेंटेंस हमें पॉजिटिव सजेस्ट कर रहा है, कैसे मालूम पड़ा मुझे। तो मैथ इज सो इजी यानी मैथ बहुत ही इजी है जिससे सभी लोग उसको क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेंटेंस यूज करा हुआ है मैथ इज सो इजी दैट, तो मैंने क्या करा सो दैट का यूज करा है दैट एवरीवन कैन सॉल्व इट, क्यों यहाँ पे कैन लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है इज दिया हुआ है, इज दिया इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा कैन का यूज करूंगा। तो मैथ इज सो इजी दैट एवरीवन कैन सॉल्व इट, क्लियर है आप सभी को। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप ये चार रूल्स इसके अंदर से आप देख सकते हैं।